नवाज शरीफ के आने से 2017 का पाकिस्तान हमें वापस मिलेगा, जब 35 रुपए किलो आटा था, जब 65 रुपए लीटर तेल था, जब 100 के लगभग जो आपका डॉलर था, जो उस वक्त 150 रुपए किलो घी था। ले लोगों को इस बात की होप है, इसीलिए हम समझते हैं कि हम पंजाब तो क्या, इंशाल्लाह इस दफ़ा सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। और हम समझते हैं कि हम बलूचिस्तान में चाहे कोई इत्तेहादी हुकूमत ही बने, मगर हम चारों सूबों में इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पोजीशन में, दो में मुकम्मल और दो में शायद इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। मगर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो आज लोगों को देखने को मिल रहा है, खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे पाकिस्तान के लिए, जिन जिन जगहों से इस प्रोजेक्ट को, इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम को सच सच बताएं, ताकि 18 से 25 साल का नौजवान जो बेराह रवि का शिकार है, जिसको वरगलाया गया था अदारों के ख़िलाफ़, उनको हकीकत का पता चल सके। हम बताएंगे तो शायद देर हो जाए। अदारे जिन्होंने इमरान को लाया था वो बताएंगे तो 18 से 25 साल के नौजवान को समझने में आसानी होगी। तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया इस बात से करते हुए कि मुझे अफसोस है कि जस्टिस शौकत सदीकी जिस तरह बेंच के मुतल्लिक बात किया करते थे, आज भी काजी फ़ायज़ ईसा और दीगर इंतहाई काबिले एहतराम जस्टिस एक बेंच का जो सोच कर हिस्सा बनाए गए, जिस तरह के फैज़ाबाद धरने के हवाले से एक जजमेंट मौजूद है, मैं समझता हूँ कि आज के दिन भी शायद वक्त साबित करेगा कि ये बेंच किस तरह और किन ख्वाहिशात की तकमील के लिए। मेरी सोच है, लोग कहते हैं, जस्टिस शौकत सदीकी कहते हैं या दीगर भी आवाज़ें मुख्तलिफ औकात में उसी अदल के निज़ाम से या उसी बिल्डिंग से सुनाई देती रहती हैं, खुदा करे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वक्त के काजी फैसले करें। कि एक तकरीर पर अली वज़ीर को 26 माह कैद में रखा जाता है और दोबारा उसी तरह की एक मुतनाज़ा तकरीर पर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो जो शख्स पिछले कई सालों से ज़ेन साज़ी लोगों की कर रहा था और उसके नतीजे में 9-10 मई का वाक़या भी पेश आ गया, उसको 26 घंटे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता? क्यों? सवाल ये उठता है कि एक माह से ज़्यादा अरसा हो गया 9-10 मई के वाक़यात को, क्या अदालतों में बैठे इंतहाई काबिले एहतराम जस्टिस साहबान जो हैं वो दीगर इश्यूज़ पर आज खुद नोटिस लेते हैं? तो क्या 9-10 मई का वाक़या जो था, इसका फ़ैसला तो घंटों में, हफ्तों में आना चाहिए था और आज तक उसकी बुनियाद नहीं नज़र आ रही? आप ये बात अगर कोई करता है तो मुझे ये बताएं कि चंद फाइलें साथ लेकर जाने पर एक सुपर पावर के एक्स सदर को आप उस वहाँ के इंतज़ामिया, वहाँ का कानून हरकत में आता है, वो पकड़ता है, गिरफ्तार करता है, बरामदगी करता है, तो क्या मेरा मुल्क जो है उसके अंदर दिफा पर हमला आवर बार बार लोग होते जाएं और मैं देखता जाऊं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी ना हो जाए? और क्या
जहाँ जहाँ बरतानिया हो, अमेरिका हो, दीगर ममालिक हों, जहाँ उनकी दिफाई तनसीबात पर या उसकी रियासत पर कोई हमला करता है, तो क्या वो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों को देखते हैं या अपनी रियासत को देखते हैं? और हमें अगर कोई ये भाषण देता है कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी ना हो जाए, तो फिर मेरे इंतहाई काबिले एहतराम मोहतरम आज के जो काजी हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। और यहाँ तो जनाब एक जजिस गेट से बुलाया जाता है और पसंदीदा गाड़ी पे बुलाया जाता है और उसके बाद उसको वापस कर दिया जाता है। तो फिर मुझे ये बताएं, मैं अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए किसके आगे फरियाद करूं? और दूसरा, जो आप नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार ये कहता रहा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो मैंने तो उस वक्त कहा था दिसंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इतनी देर क्यों हुई? इतनी देर जो काजी जज गेट से इमरान खान जो दहशतगर्द है उसको बुलाते हैं, तो फिर मुझे अपने बारे में सोच लेना चाहिए। मुझे तो अंदाज़ा हो जाता है।